हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो विश्व के आधार पर हैं। ये जो यहाँ पर विश्व की जनसंख्या की बात हो रही है कि जो हमारे सात कॉन्टिनेंट हैं उन सातों कॉन्टिनेंट्स में कितनी पब्लिक कहाँ पर निवास करती है, कहाँ सघन जनसंख्या है और कहाँ विरल जनसंख्या है। वितरण का मतलब होता है फैलाव, कि कहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है और कहाँ कम निवास करती है। जो अधिक निवास करती है उसको बोला जाता है सघन जनसंख्या, और जहाँ कम निवास करती है उसको बोला जाता है विरल जनसंख्या। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कि मान लो हमने 1 किलोमीटर का एक एरिया ले लिया, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया ले लिया। अब इसमें ये पता लगाना है कि इस 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। मान लो यहाँ 19 लोग निवास करते हैं, तो बोला जाएगा कि 1 वर्ग में 19 लोग वहाँ पर निवास करते हैं। और वृद्धि होती है धनात्मक और ऋणात्मक, दो प्रकार के होते हैं। एक प्लस होती है जिसमें वृद्धि जनसंख्या बढ़ती है, और एक नेगेटिव होती है जिसमें जनसंख्या घटती है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है। चलो अब अध्याय को देखते हैं कि इसमें चैप्टर में क्या दिया गया है। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको किसी भी देश का वास्तविक धन माना गया है, जो जनसंख्या उसको वास्तविक धन माना गया है। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं, क्योंकि मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन ही है। क्योंकि मनुष्य भी एक संसाधन है, ये कैसे है, क्योंकि प्रकृति से हमें जो भी संसाधन मिलते हैं उनका प्रयोग कौन करता है, मानव ही तो करता है। जैसे पूंजी, भूमि है, पूंजी है, क्या जो पैसे हैं वो अपने आप को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या भूमि है, भूमि अपने आप को यूज़ कर सकती है, नहीं कर सकती। तो उसको यूज़ करने वाला कौन है, मानव है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग हैं वो इसके वास्तविक संसाधन हैं, देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, और जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं उनको वो यूज़ करते हैं, और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं कि उनको कैसे यूज़ करना है। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। तो किसी भी देश की जो पहचान होती है वो किसके द्वारा होती है, वहाँ के लोगों के द्वारा होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। यहाँ पर किसको जानना आवश्यक है कि किसी भी देश में कितनी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से लेडीज़ कितनी हैं और जेंट्स कितने हैं, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं और हर साल कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कितने लोगों की मृत्यु होती है, और एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और वो मृत्यु हुई वो कैसे हुई, किस कारण से हुई है, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में, और जो पॉपुलेशन निवास करते हैं वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है या नगरों में रहती है, क्या वे पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, मतलब इस कैटेगरी में रखना कि अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, तथा वे क्या काम करते हैं, और वो जो अपनी रोजी रोटी जिससे वो चला रहे हैं वो क्या काम करके अपना काम चला रहे हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी का मतलब है कि 2001 से शुरू होकर और 2099 तक ये पूरी हमारी कही जाएगी 21वीं शताब्दी। तो अभी तो स्टार्टिंग ही चल रहा है हमारा, 2020 है। तो यहाँ पर बोला कि जो विश्व की जनसंख्या है वो लगभग, जो टोटल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो कितनी है, 600 करोड़ के आसपास दर्ज की गई है। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। किसके बारे में जानेंगे कि जनसंख्या का वितरण, कहाँ पर अधिक जनसंख्या और कहाँ कम जनसंख्या है, और कितने एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, ये घनत्व है। अब इसमें आगे देखो, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। जो पूरे विश्व की बात हो रही है कि विश्व में जो जनसंख्या है वो असमान रूप से, कहीं पर भी इक्वल इक्वल नहीं है। असमान का मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब कहने का है कि कुछ एरिया ऐसे जहाँ एरिया तो ज़्यादा है लेकिन जो पब्लिक है वो कहीं कहीं निवास करती है, और कुछ एरिया थोड़ा सा एरिया है लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है वो ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संबंध में भी यही सत्य है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जो जनसंख्या का जो वितरण है, फैलाव है, उसका प्रारूप बताया गया है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी अक्षेत्र की जनांकी के विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनांकी के इसको इसकी संधि करके देखोगे, जन मतलब लोग, अंकी के मतलब उनको उनकी काउंटिंग करना,
उनकी विशेषताओं को समझने में हमारी मदद करता है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, किस प्रकार फैले हुए हैं। इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। कहने का मतलब है कि जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ थोड़े से एरिया में 10% एरिया में निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, जो पूरे वर्ल्ड के 10 बड़े बड़े देश हैं, जो टोटल पॉपुलेशन उनकी 60% पॉपुलेशन वहाँ पर इन 10 बड़े बड़े देशों में निवास करती है। इन देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं, और इन जो 10 बड़े बड़े देश यहाँ पर बताए गए हैं उसमें से 6 जो देश हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट के हैं। एशिया के इन 6 देशों को आपको मानचित्र पर पहचानना है। अब देखो, जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं जिनकी पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, ये सबसे पहले नंबर पर चीन है, एशिया महाद्वीप में है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। तो ये मैक्सिमम किस में है? जो इसमें से 6 देश हैं ये एशिया महाद्वीप के, और बाकी बच के 4 वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के हैं। अब यहाँ पर देखो, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, कि जो अमीर लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं से ही किसी देश का निर्माण नहीं होता। किसी भी देश के निर्माण के लिए पुरुषों की और स्त्रियों का सबका होना वहाँ जरूरी है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहे और कष्ट झेलते रहे, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, और जो लोग परिश्रम कर रहे हैं जब दूसरी पब्लिक सो रही है, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, और कुछ लोग ऐसी विकट परिस्थितियों में भी साहस के रूप में खड़े हुए होते हैं और कुछ उन परिस्थितियों से घबराकर भाग जाते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं। और वही जो साहसी लोग होते हैं, डटे रहते हैं, वही लोग क्या करते हैं, राष्ट्र के स्तंभ जो पिलर होते हैं उनकी गहरी नींव को डालते हैं, मतलब मजबूती देते हैं, और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। और किसको ऊंचा उठाते हैं? अपने देश को ऊंचा उठाते हैं। ये किसके शब्द हैं? राल्फ वाल्डो इमर्सन के शब्द हैं। अब यहाँ पर है जनसंख्या का घनत्व। अब देखो, घनत्व के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन जो पुस्तक की परिभाषा है उसको भी पढ़ लेते हैं। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण और सीमित अक्षमता होती है। किसी भी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो जो भूमि है वो कितना हमें प्रोड्यूस करके देती है, मतलब वहाँ पर कितनी उत्पादन अक्षमता है, वो कितने लोगों का भरण पोषण कर सकती है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। अतः वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं और जो भूमि का आकार है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसे हो गया कि भूमि का जो एरिया है वो थोड़ा सा है, वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है, फसलें उत्पन्न की जा रही हैं, उनसे जो अनाज मिलता है, और वहाँ रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो भूमि उस सारी पॉपुलेशन का भरण पोषण नहीं कर पाती है, तो वो जो डिफरेंस है वो उनके बीच में गलत अनुपात में है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाता है, कि एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग वहाँ पर निवास करते हैं। ये जनसंख्या के घनत्व को निकालने का फॉर्मूला है। जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हमें टोटल पॉपुलेशन ऊपर रखनी होगी और टोटल एरिया नीचे रखना होगा। ये इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया गया, ये आप देख लेना। उसके बाद है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले आते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में कौन से कारक आएंगे? जो प्रकृति के द्वारा नेचुरल वे में मिले हैं, उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसमें देखो, जल की उपलब्धता है। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। देखो, अब इसमें क्या बताया गया कि जल की उपलब्धता, जहाँ जल अच्छे से मिल जाता है वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि खेती में पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता है, नहाने के लिए, पीने के लिए, पशुओं के लिए पीने की आवश्यकता है, भोजन बनाने के लिए नौका, जो नाव चलाई जाती हैं
उद्योगों के लिए तो हर जगह किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। यदि पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों को रहने में आसानी होगी। तो नदी घाटियों के आसपास जो मैदान बन जाते हैं, मैदान किससे बनते हैं, नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं, और वो जब नदी का फ्लो कम हो जाता है तो धीरे धीरे वो मिट्टी क्या होती है, वहीं पर जमनी शुरू हो जाती है। और वहाँ पर जो मिट्टी जमी हुई है जो आगे से बह कर आई है, क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो उपजाऊ होती है, वो नदी ने बहाकर दूसरे स्थान पर जमा कर दी, तो वो क्या होगा, उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। तो वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे अधिक निवास करती है। उसके बाद है भू आकृति। भू आकृति में देखते हैं कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। जो समतल मैदान होते हैं, मिट्टी का जो समतल एरिया होता है, और जहाँ पर जो ढाल, यदि मान लो ढाल भी है, मंद ढाल मतलब थोड़ी सी उसमें ढलान होनी चाहिए, ज़्यादा ढलान नहीं होनी चाहिए, उसी को वहीं पर रहने के लिए वो कंफर्टेबल होते हैं और उसी को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं। अब इसने क्या बताया कि जो समतल एरिया होता है वहाँ पर सड़क बनाना भी आसान होता है, फसलों को लगाना आसान होता है, सिंचाई करनी आसान होती है, उद्योग धंधे स्थापित करने ईजी होते हैं। और उसके विपरीत ही क्या है, जो पर्वतीय एरिया है या पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ये सारी क्या है, यातायात की जो सुविधाएं हैं वो पहुँचाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि पहाड़ियों को काट कर कर रास्ते बनाए जाते हैं। एक तो समतल एरिया को काट के हम रास्ते बनाएं, एक दूसरा पहाड़ी एरिया को काट के बनाएं, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए कहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, जहाँ पर जो भूमि का एरिया है वो समतल होता है। इसीलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते थे। जो परिवहन इसमें ये बताया गया कि जो पहाड़ी और पर्वतीय एरिया हैं ये किसके लिए अनुकूल नहीं है, विकास के, औद्योगिक विकास के लिए और कृषि के लिए। तीन क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है, तो यहाँ पर जो जनसंख्या है कम पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। जो गंगा नदी का मैदान है ये विश्व के सबसे घने बसे हुए जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक माना गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, क्योंकि मिट्टी जो बहा कर लाई गई वो क्या है, उपजाऊ है, और उसमें फसलों का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। तो लोगों को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, भोजन की, जल की, इनके बिना गुजारा करना मुश्किल है। जब यह हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, ये जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और इधर से अरुणाचल प्रदेश की साइड है, तो हिमालय कहाँ पर है, ये इधर पाकिस्तान में फैला हुआ है, अफगानिस्तान में है, भारत में है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें क्या है, विरल जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है सुविधाओं का अभाव होता जाता है और लोगों का वहाँ पर जो बसाव होता है वो कम होता जाता है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा जलवायु। जलवायु में क्या बताया गया है, अति उष्ण। अति उष्ण का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु, या फिर ऐसे मरुस्थल जो ठंडे हैं, क्योंकि जो मरुस्थल होते हैं क्या होते हैं, मिट्टी बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, तो ऐसी जो विषम परिस्थितियां होती हैं वो मनुष्य के लिए क्या होती हैं, मनुष्य वहाँ पर बस नहीं सकता है, रहना मुश्किल हो जाता है, तो जिसके कारण वहाँ पर बसाव मुश्किल होता है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो जलवायु ऐसी है जहाँ पर जो मनुष्य के अनुकूल है, मनुष्य वहाँ इजीली रहते, ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, तो ऐसे स्थान मनुष्य के लिए अधिक जनसंख्या के लिए हो सकते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या आराम से निवास कर सकती है, और इसके विपरीत जो कंडीशन होते हैं वहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदाएं, मिट्टी। मिट्टी मिट्टी में देखिए, अभी यहाँ पर बताया गया उपजाऊ मृदाएं कृषि अथवा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें फसलों का उत्पादन अच्छे से होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इसमें जो सबसे अधिक, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। जो उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है वहाँ पर सबसे अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकते हैं। गहन मतलब अधिक मात्रा में वहाँ पर कृषि को किया जा सकता है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? तो
तो कम उपजाऊ मृदा कहाँ पर होगी, जो पहाड़ी या पर्वतीय एरिया, क्योंकि जो पर्वतीय एरिया वहाँ पर क्या होगी, बर्फ़ होती है, पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जो कंकर मोटे मोटे पत्थर होते हैं, बजरी जैसी होती है, तो वहाँ पर भी जो हमारी मिट्टी कैसी होती है वो कम उपजाऊ होती है, तो वहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है पर्वतीय एरिया वहाँ कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये हमारे हो गए भौगोलिक कारक। उसके बाद हैं आर्थिक कारक। अब देखो आर्थिक कारक में क्या बताया गया है, आर्थिक का मतलब है कि जहाँ पैसे का लेन देन होता है तो वहाँ पर आर्थिक कारक होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं निवेश किया जाता है और कहीं लाभ प्राप्त किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हैं आर्थिक कारक में खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त अक्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ पर खनिजों का खनन किया जाता है, खनिजों को निकाला जाता है, तो उन क्षेत्रों में उद्योगों को, वो क्षेत्र क्या करते हैं, उद्योगों को जहाँ पर अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है, उद्योग धंधों के लिए अपने आप को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिकी गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करती हैं। खनन, खनिज को निकालना, और उद्योगों के लिए जो गतिविधियाँ होती हैं वो रोजगार के लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी जो ट्रेंड होते हैं, या फिर कुछ लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। ऐसे लोग रोजगार की तलाश में यहाँ पर जाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी फैमिली को भी लाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो क्या होती है, वहाँ पर जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और सघन एरिया बन जाते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। कौन से कॉन्टिनेंट की हैं, अफ्रीका महाद्वीप की हैं। अफ्रीका महाद्वीप की ये कटंगा, जाम्बिया और तांबा पेटी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दी गई है। उसके बाद नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब है कि जो जनसंख्या है वो नगरों में अधिक निवास करती है, गांव में अधिक निवास करती है। यहाँ नगरीकरण का मतलब दिया गया कि जो नगर हैं वो सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के कारण लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि गांवों में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं और शहरों में फैसिलिटीज़ अधिक मात्रा में होती हैं। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अब नगरों में देखो अच्छी शिक्षा हो गई, चिकित्सा की सुविधाएं होगी, परिवहन की सुविधाएं होगी, संचार के बेहतर साधन, जो कम्युनिकेशन बातचीत करने के जो साधन हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, तो जिस वो का लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। जो नगरों की सुविधाएं, जैसे गाँव में बिजली बहुत अधिक मात्रा में जाती है, पानी की सुविधाएँ कम होती हैं, और शहरों में बिजली कम जाती है और पानी के लिए भी हर जगह में पानी मिलता है घरों में, इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है। गांवों से कहाँ हुआ, नगरों की तरफ प्रवास हुआ और नगर आकार में बढ़ जाते हैं, और जो नगर हैं उनका जो आकार है जनसंख्या के अनुसार वो बढ़ जाता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं, और विश्व के बहुत ऐसे बड़े बड़े नगर हैं जो हर साल लोगों को, प्रवासी, प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, तो प्रवासियों को निरंतर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो अपनी तरफ आने के लिए उनको लुभाते हैं कि लोग वहाँ पर रोजगार के लिए जाएं या नगरों में अच्छी सुविधाओं को देखकर वहाँ पर जाएं। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, जहाँ उद्योग धंधे होते हैं लोग वहाँ पर रोजगार के लिए जाते हैं, तो रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध करती है, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश इसके लिए, उनके उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, देखो जो उद्योग धंधे यहाँ पर, उद्योगों के कारण जो रोजगार उपलब्ध हुआ उसके कारण पब्लिक यहाँ पर आकर्षित हुई, पब्लिक वहाँ पर आकर्षित हुई, तो जनसंख्या जो बसी है उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अपना घर चलाने के लिए दुकान की भी ज़रूरत पड़ेगी, बैंकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो उन्होंने लाभ कमाया उसको जमा करने के लिए, बीमार हो गए तो उसके लिए डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनके बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए टीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, आने जाने के लिए जो परिवहन की सुविधाएँ हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करते, धीरे धीरे फिर हर तरफ रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध करा देते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा कारक है वो सामाजिक और सांस्कृतिक है। इसमें कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और अराजनीतिक अशांति
होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जहाँ पर राजनीतिक दंगे होते हैं, लोग वहाँ पर अशांति फैली हुई होती है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसे स्थान, क्या आप अपने प्रदेश में से कुछ ऐसे उदाहरणों को सोच सकते हैं? आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एरिया देखे हों कि जहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना पड़ा? तो यहाँ तक हमने क्या है कि जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है। इससे नेक्स्ट जो होगा वो सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ तक इसको अच्छे से कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ, हमने जो वीडियो बनाई वो बच्चों को अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।